हुकूमत अगर आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती तो घर जाए, वजीर आजम इस्तीफा दे दे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास आवाम को रिलीफ देने का मंसूबा है, हुकूमत जमीनी हकायक से आगाह नहीं, लोगों को एक वक्त की रोटी तक नहीं दे रही। फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं और वो इमरान खान को कहते हैं। JUI के नाराज रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के बार कहा, जहां जाती मुफादात पूरे हुए वहां PTM तहरीक खत्म। पहले ही कहा था इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे और अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। मौलाना शेरानी ने कह दिया, जमीयत उलमा इस्लाम किसी की जागीर नहीं। मौलाना शेरानी ने फजल रहमान को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। मुआवने इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मौलाना शेरानी ने मौलाना का डंका बजा दिया है, अब हुकूमत को डुगडुगी बजाने की जरूरत नहीं है। फजल रहमान मीडिया पर आहो बका के बजाय नैब में जवाब दें। मौलाना साहब बजाय इसके वो स्टेज पे आके गुड्डा गुड्डी को दाएं बाएं लेके बगल में तो हुकूमत को ललकारें, बेहतर है कि वो नैब में तशरीफ ला के बजाय इसके कि आप क्या करें मीडिया में जाके वहाँ जवाब दें और इंशाल्लाह उनको नैब मायूस नहीं करेगी। PTM के सियासी यतीम ड्रामेबाजी कर रहे हैं फैसल वाउजा और अली अमीन गंडापुर की तनकीद। सवाल उठाया कि मौलाना बताएं कश्मीर कमेटी के लिए क्या किया, हुकूमत आपको नहीं छोड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। फैसल वाउजा ने मौलाना को बड़ी ऑफर भी कर दी। गंडापुर साहब की इजाज़त से कहता हूँ कि मौलाना की जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको 10 गुना कीमत में ख़रीद लें और मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ और अपनी कीमत भी लगा लें, फिर हम बताते हैं कि हम कितनी कीमत देते हैं। मुल्क के 20 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, फजल रहमान भी इनमें शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, बोले यकीन है PTM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, हिस्सा ना लिया तो वज़ीर आज़म को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। सेनेट इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया, तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर होगा। 10 फरवरी से पहले सेनेट इंतखाबात मुमकिन नहीं, सेनेट के निब सरकार 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे।